बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रवैये का सच सामने आएगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि मनोज तिवारी से एक शिक्षिका ने गाना गाने के लिए कहा तो वो गुस्से से फट पड़े और ऐसा फटे कि शिक्षिका को मंच से ही उतार दिया। क्या है तमीज भूलने का दावा करने वाले वीडियो का सच, चलिए पता लगाते हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी, ये तमीज है आपकी, ये तमीज है आपकी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के मुंह से निकले ये चार शब्द हमने आपको चार बार इसलिए सुनाए क्योंकि दावा है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गाने की फरमाइश पर गुस्से से फट पड़े। वायरल वीडियो के मुताबिक मनोज तिवारी का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ। चलो आप जाके बैठो नीचे। उन्होंने न सिर्फ महिला शिक्षक को मंच से उतार दिया बल्कि उन पर कार्रवाई करने का आदेश तक सुना दिया। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतने भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने जरा आप उधर गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा दिया देना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। 2 मिनट 50 सेकंड का ये वायरल वीडियो देखने वाले हैरान हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि टीचर ने गाने की फरमाइश करके माननीय सांसद मनोज तिवारी का ऐसा कौन सा अपमान कर दिया कि मनोज तिवारी अपनी तमीज भूलकर टीचर की तमीज पूछने लगे। मामला गर्म हो चुका था। वायरल वीडियो की कहानी का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने वायरल सच इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने सबसे पहले दिल्ली में नगर निगम का वो स्कूल ढूंढने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा वाकया 10 मार्च का है जब स्कूल के कार्यक्रम में मनोज तिवारी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। पूर्वी नगर निगम के स्कूलों में सांसद निधि से 2 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्यक्रम का उद्घाटन होना था। वीडियो में मंच पर जो महिला शिक्षक दिखाई दे रही हैं, उनका नाम नीतू चौधरी है। स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया लेकिन उस दिन की पूरी कहानी हमें जरूर बताई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के मुताबिक चूंकि मनोज तिवारी एक जाने माने लोक गायक हैं, तो लोग उनका गाना सुनना चाहते थे, इसीलिए स्कूल की तरफ से एक अच्छे साउंड सिस्टम का भी इंतजाम किया गया था। मौके पर मौजूद लोगों से हमने बात की और उनके मुताबिक जब मंच संचालन कर रही शिक्षिका नीतू चौधरी ने सांसद मनोज तिवारी को मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया तो साथ ही ये अनुरोध भी किया कि वो कुछ पंक्तियां सुनाएं। हालांकि इस बात पर मनोज तिवारी भड़क गए और शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई तक की बात कह डाली। एबीपी न्यूज ने इस पूरे मामले पर महिला शिक्षक नीतू चौधरी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। इस बीच एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मनोज तिवारी से बात करने की कोशिश की। एबीपी न्यूज जब दिल्ली बीजेपी के दफ्तर पहुंचा, तो पता चला कि महिला शिक्षक नीतू चौधरी मनोज तिवारी से मिलने पहुंची हैं। हमने नीतू चौधरी से पूछा कि इस पूरी घटना पर वो क्या कहना चाहती हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे नहीं पता आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम संबंधों को संवारना है ना कि बिगाड़ना। वो मेरे बड़े हैं, अभिभावक के तौर पर उन्होंने कुछ समझाया और समझाने में हल्की सी तल्खी थी तो उसमें बुरा मानने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। नीतू चौधरी कहती हैं कि मामला खत्म हो चुका है। इसके बाद हमने मनोज तिवारी से सवाल किया कि आखिर गाने की फरमाइश पर गुस्सा क्यों आया। एंकर ने मुझे बुलाने के पहले ही बोलती है कि आप गाना गाओ, तो मैंने उसको सिर्फ कहा कि भाई आप एंकर हो, एंकर की मर्यादा है, ये सीसीटीवी का शिलान्यास का सरकारी कार्यक्रम है, इसमें आपको सांसद से गाना गाने के लिए कैसी मर्यादा का हनन है। उसने कहा कि सर गलती हो गई। मैंने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वाह क्या बात है, मनोज तिवारी जी को मर्यादा का ख्याल है, प्रोटोकॉल का ख्याल है, गाने की फरमाइश करने पर टीचर से तमीज पूछने लगते हैं। आप बताओ एक शिक्षक को ऐसे बोलना चाहिए सांसद को, कि क्या पढ़ाएंगे लोग। लेकिन जब उनकी बदतमीजी पर सवाल होता है तो जरा सुनिए वो कितना बेतुका जवाब देते हैं। आप कलाकार हैं, लोग आपकी कला को पसंद करते हैं,
तो उसी भावना से अगर किसी ने आपको कह दिया कि आप गाना गा दीजिए, तो इसमें आप क्यों? क्या उस महिला ने आत्महत्या कर लिया क्या? क्या उस महिला ने FIR कर दिया क्या? क्या वो महिला कहीं पुलिस में गई है क्या? क्यों इतना? जब महिला को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत है भाई? क्या कोई आत्महत्या कर लेगा या फिर FIR दर्ज कराएगा तभी ये साबित होगा कि गलत हुआ है या नहीं? क्या गलत को गलत कहने के लिए FIR की कॉपी लेकर आनी पड़ेगी? ABP न्यूज की पड़ताल में मनोज तिवारी के तमीज भूलने का दावा करने वाला वीडियो सच साबित हुआ है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।